कोरोना की दूसरी वेव के अंतिम चरण में जब आम जन जीवन पटरी पर लौट रहा है, तो जो रेलवे बंद और कई प्रोटोकॉल के बीच चल रही थी, उसका संचालन भी आम तरह से हो रहा है। कानपुर रेलवे के IRTS हिमांशु शेखर उपाध्याय ने रेलवे पर जानकारी देते हुए बताया कि कोविड की दूसरी वेव खत्म होने के चलते और अर्थव्यवस्था व लोगों की डिमांड के चलते कई ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू कर दिया गया है। कानपुर से 150 से ज्यादा ट्रेनें चल रही हैं। प्लेटफॉर्म टिकट भी शुरू हो गई है, जिनके चार्जेस कुछ टाइम के लिए ज्यादा हैं, ताकि कम से कम लोग प्लेटफॉर्म पर जाएं। आपको बता दें कि अनरिजर्व टिकट कुछ हद तक शुरू कर दी गई है, वहीं MST को भी धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है। प्री कोविड सारी सुविधाओं को सुचारू रूप से धीरे धीरे कर चालू किया जा रहा है। देखिए, कोविड की दूसरी वेव लगभग खत्म हो गई है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में तो समाप्त प्राय है, और उसी के अनुसार यात्रियों की डिमांड और अर्थव्यवस्था की डिमांड को देखते हुए रेल का परिचालन काफ़ी हद तक रिस्टोर हो गया है। अभी कानपुर से करीब हम 150 से ज़्यादा ट्रेन रोज डील कर रहे हैं, और हमारी ओरिजिनेटिंग सारी ट्रेन रिस्टोर हो चुकी हैं। स्पेशल ट्रेन से चल रही हैं, कोविड प्रोटोकॉल के कारण स्पेशल ट्रेन के स्टेटस से चल रही, लेकिन ट्रेन सारी चल रही हैं। जैसे जैसे आपने देखा होगा, अनलॉक की प्रक्रिया में पहले पूरा लॉकडाउन था, फिर 2 दिन का लॉकडाउन हुआ, फिर बाज़ारों खुलने का समय कम था, जल्दी दुकानें बंद हो गई थी, फिर सैटरडे का भी ओपन हुआ, अब संडे का भी ओपन हो गया है। उसी प्रकार से धीरे धीरे रेल भी धीरे धीरे ओपन हो रही है। अभी प्लेटफॉर्म टिकट भी चालू हो चुका है, चार्जेस थोड़ा ज़्यादा है ताकि कम से कम लोग प्लेटफॉर्म पर आएँ। उसके अतिरिक्त अनरिजर्व टिकटों की भी बिक्री कुछ ट्रेनों में धीरे धीरे शुरू हो गई है। लखनऊ जाने वाली कुछ एक मेमू ट्रेन चालू हो चुकी हैं, फफूंद के लिए, प्रयागराज के लिए, बांदा साइड के लिए भी ट्रेन कम्यूटर ट्रेन चालू हो गई हैं। धीरे धीरे संख्या में वृद्धि हो रही है, तो इसी क्रम में हम लोग धीरे धीरे रेल यातायात भी खोल रहे हैं। अभी MST को कुछ हद तक रिस्टोर किया गया है, और धीरे धीरे मैंने बताया कि ये सब सुविधाएं, हर सुविधा जो प्री कोविड थी, सारी सुविधा धीरे धीरे चालू हो जाएगी। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।